क्या आप जानते हैं मोर लाइकली मोस्ट लाइकली मोर लाइकली देन नॉट मोस्ट लाइकली देन नॉट क्या है, यानी वो कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जहां आप कहेंगे मोर लाइकली या मोस्ट लाइकली। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। यहां मैं बता दूं इस टॉपिक पर यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है, पहली बार मैंने इसे पढ़ाया है। मोर लाइकली का मतलब होता है ज्यादा संभावना है या किसी काम की होने की ज्यादा चांसेस हैं या ज्यादा पॉसिबिलिटी है, यानी 50% से ज्यादा चांसेस है कि ये काम हो। वहीं अगर हम बात मोस्ट लाइकली की करें तो मोस्ट लाइकली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा संभावना है या बहुत ज्यादा चांसेस है या किसी काम की होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, यानी 80% चांसेस है कि ऐसा होगा। लगता है आप समझे नहीं, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो उसे जीतने की ज्यादा उम्मीद है या चांसेस है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज मोर लाइकली टू विन। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे जीतने की बहुत ज्यादा संभावना है या बहुत ज्यादा चांसेस है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज मोस्ट लाइकली टू विन, यानी उसे जीतने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसे एग्जाम में फेल होने की ज्यादा उम्मीद है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज मोर लाइकली टू फेल इन द एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे एग्जाम में फेल होने की बहुत ज्यादा संभावना है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज मोस्ट लाइकली टू फेल इन द एग्जामिनेशन, यानी उसे एग्जाम में फेल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर आपको कहना हो कि उसे मरने की ज्यादा संभावना है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज मोर लाइकली टू डाई। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसे मरने की बहुत ज्यादा संभावना है या बहुत ज्यादा चांसेस है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज मोस्ट लाइकली टू डाई, यानी उसे मरने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ सीखा कि मोर लाइकली का मतलब किसी काम की होने की ज्यादा संभावना है, जबकि मोस्ट लाइकली का मतलब किसी काम की होने की बहुत ज्यादा संभावना है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो मोर लाइकली देन क्या है या मोस्ट लाइकली देन क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि मोर लाइकली और मोर लाइकली देन नॉट दोनों का यूज एक ही है, यानी जहां आप कहते हैं मोर लाइकली वहीं पर आप कह सकते हैं मोर लाइकली देन नॉट, और मोस्ट लाइकली देन नॉट ये दोनों एक ही चीज है, यानी जहां आप कहेंगे मोस्ट लाइकली वहीं पर आप कह सकते हैं मोस्ट लाइकली देन नॉट। कैसे, आइए एक एग्जांपल में इस बात को समझें। क्या आपको लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी? डू यू थिंक शी विल मैरी हर बॉयफ्रेंड? अगर आपको जवाब में कहना हो कि ज्यादा उम्मीद है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज मोर लाइकली देन नॉट। लेकिन अगर आपको कहना हो कि बहुत ज्यादा संभावना है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज मोस्ट लाइकली देन नॉट, यानी मोर लाइकली देन नॉट ज्यादा संभावना है, मोस्ट लाइकली देन नॉट बहुत ज्यादा संभावना है या बहुत ज्यादा चांसेस है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।